जो कि नवी मुंबई में एकदम रिसेंटली ओपन हुआ है। मैं सोचा आपको भी एक्सप्लोर करवाती हूँ, दिखाती हूँ कि कैसा है एक्सपीरियंस वहाँ का, पूरा बताऊँगी मैं मेरा एक्सपीरियंस। और ये एक हैदराबाद में आई किया और सेकेंड इंडिया में जो ओपन हुआ है, ये मुंबई में हुआ है, फर्स्ट हैदराबाद में, सेकेंड नवी मुंबई में खुला है। यहाँ पर भी रिसेंटली ओपन हुआ है, कुछ मंथ्स ही हुए ओपन होके। तो मैं आपको पूरा बताऊँगी वहाँ का एक्सपीरियंस और पूरा दिखाऊँगी सब कुछ, शॉपिंग वगैरह कैसे हो रहा है वहाँ पे, पूरा फर्नीचर वगैरह मिलता है। एक्चुअली बेसिकली आई किया में पूरा फर्नीचर मिलता है। अभी मैं ऑन द वे ही हूँ, चलो चलते हैं। गाइज, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आइकिया बेसिकली एक स्वीडन की कंपनी है जो डिज़ाइन करती है, सेल करती है रेडी टू असेंबल फर्नीचर्स, किचन के अप्लाइंसेज और होम एसेसरीज में। मैं जस्ट ऑन द वे ही थी, हम जस्ट आइकिया पहुँचे हैं अभी। और अगर आप आइकिया में आना चाहते हो गाइज, तो आपको पहले से ही बुकिंग करना पड़ेगा। ऑनलाइन इन लोगों का रजिस्ट्रेशन चलता है इनकी वेबसाइट के ऊपर, आपको वहाँ जाकर आपका स्लॉट बुक करना है। आपको जो स्लॉट मिलेगा आपको उसी के हिसाब से जाना है, उससे पहले आप नहीं जा सकते हो। हम जस्ट एंटर ही हुए थे आइकिया में। अगर गाइस आप प्लान कर रहे हो आइकिया के लिए, तो आपको 3-4 दिन बाद का भी मिल सकता है स्लॉट बुक, तो आपको टाइमिंग वगैरह देख लेना है कि आपकी कौन सी टाइमिंग मिली है, उसी टाइम पे आपको जाना है। और आपका रजिस्ट्रेशन जो आईडी रहेगा, टोकन नंबर बेसिकली आपको मिलता है, और एक क्यूआर कोड रहता है, वो आपको लेके जाना है आपके साथ में। वो क्यूआर कोड आपका यहाँ पर देखेंगे आने के बाद, तो वो आपको आपके साथ रखना है। ये गाइस ये शू रैक था, यहाँ पे बहुत अच्छा तरीके से लोग ने जो फर्नीचर्स वगैरह बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत यूनिक स्टाइल का मुझे फर्नीचर्स वगैरह लगे। और यहाँ पे जो भी सामान था बहुत अलग लगा मुझे बाकी जगहों से। ये शू रैक था बेसिकली शूज़ रखने के लिए। और यहाँ पे दो फ्लोर्स का है आइकिया, ऊपर आपको पूरा एक मॉडल टाइप मिलेगा, ऐसे इन्होंने रूम बना रखा है, वहाँ पे सब इंटीरियर वगैरह आपको मिलेगा देखने के लिए। नीचे जो भी आप आइटम्स देख रहे हो, आप नीचे जाके परचेज कर सकते हो। इनका कोड रहेगा नीचे लिखा हुआ, प्रोडक्ट के नीचे वो कोड पूछ सकते हो नीचे जाके, आपको इजीली मिल जाएगा नीचे वो प्रोडक्ट। ये सिर्फ एज अ शो के लिए रखा था, लोगों ने किचन बना रखा था, जैसा मॉड्यूलर किचन है, पूरा बेड बना बेड है, ये बंकर बेड जो रहता है, ये पूरा रूम है लोगों ने शो के लिए बना रखा था। आप यहाँ से डिज़ाइंस वगैरह भी देख सकते हो कि आपको डिज़ाइंस अगर अच्छा लग रहा है तो आप अपने माइंड में रखे फ़ोटो खींच के ये डिज़ाइंस आप यूज़ भी कर सकते हो। बहुत अच्छा लगा यहाँ का एक्सपीरियंस मुझे। और यहाँ का जो इंटीरियर लोगों ने किया हुआ था, ऐसे स्मॉल स्मॉल रूम्स बना रखे थे, उसमें बहुत अच्छी तरीके से इंटीरियर कर रखा था, बहुत अच्छा लगा। ये LED यूनिट था, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे शो में लोगों ने लगा रखे थे ऐसे रूम्स, जो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट करा था। ये बेडरूम था, हर एक रूम बहुत अलग था दूसरे से, कलर्स वगैरह जो इन्होंने मैच करके विद फर्नीचर, मतलब कौन सा कॉन्ट्रास्ट में कौन सा अच्छा लगेगा, इन्होंने बहुत अच्छा वो सारा प्लान करके दिमाग में इन्होंने पूरा इंटीरियर किया था छोटे छोटे रूम्स का। और यहाँ पे किचन का भी आपको अच्छी तरीके से रूम मिलेगा, इवन बाथरूम वगैरह का भी, आपको किसके हिसाब से क्या लगाना है वो पूरा आपको अच्छे से एक आइडिया हो जाएगा। एक बार आप आइकिया आओगे तो आप ज़रूर आइएगा, पहले रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लीजिएगा। ये पूरा बेड था, इसको भी कितने अच्छे तरीके से लोग ने मैच करके रखा है विद वॉलपेपर और विद जो बाजू में जो स्टोरेज वगैरह है, कबर्ड्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मैच करके पूरा एक रूम डेकोरेट कर रखा है। आप देख सकते हो विद कर्टेंस भी उन्होंने एकदम बारीकी से डिटेलिंग में बहुत अच्छी तरीके से रूम को डेकोरेट करा। आप यहाँ से बहुत सारे आइडियाज़ ले सकते हो, आप पेन पेपर लेके आ सकते हो, चाहिए तो आप नोट डाउन कर सकते हो चीज़ों को लेके। और अगर आपको परचेज़ करना है तो आपको प्रोडक्ट कोड देखना पड़ेगा, आप नीचे जाके आप परचेज भी कर सकते हैं। ये सिर्फ शो के लिए लोग ने लगा रखा है, और प्राइस टैग्स लगे हुए हैं साइड में, डिसेंट प्राइस रेंज है, कोई इतना ज़्यादा हाई भी नहीं, मुझे डिसेंट लगा, कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं लगा मुझे, मिड रेंज का लगा। कुछ कुछ चीज़ें ज़रूर एक्सपेंसिव थी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती भी थी। मैं फिर से सोच रही हूँ कि मैं एक बार वापस जाऊँ, मैं सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए आई थी इस बार, कि मुझे देखना था कि कैसा है, क्योंकि इंडिया में सेकेंड जो ओपन हुआ है नवी मुंबई में ही है, तो मैं देखना चाहती थी कि बेसिकली है कैसा, तो मुझे वो एक्सपीरियंस लेना था और आप लोगों के साथ शेयर करना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। देखिए पूरा लिविंग रूम इन्होंने इंटीरियर किया है, बहुत प्यारा था गाइस, इन्होंने जो कलर मैच करके विद फर्नीचर्स वगैरह
जो इन्होंने बना रखा था बहुत अच्छा था। इनके इंटीरियर डिज़ाइनर्स ऑब्वियसली बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने डेकोरेट करा। प्राइस रेंज देख ही रहे होंगे, साथ ही साथ मैं दिखा रही हूँ आपको ताकि आपको आइडिया मिलता रहे कि किसका क्या प्राइस रेंज है। और ये पूरा एकदम अच्छी तरीके से डेकोरेट कर रखा था। ये अलग लिविंग रूम था। ऐसे गाइज बहुत सारे लिविंग रूम्स आपको मिलेंगे, बेडरूम मिलेंगे, डाइनिंग रूम। गाइज ये पर्टिकुलर जो आप चेयर देख रहे हैं, ये चेयर वैसी है जो बिग बॉस में आपने देखा होगा डाइनिंग रूम में लोग बैठ के खाते हैं, एक्रेलिक टाइप का जो था सेम वैसे ही थी। और मुझे ये डाइनिंग स्पेस जो इन्होंने डेकोरेट किया था बहुत अच्छा लगा मुझे। गाइस आप आईकेआ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। आप इजीली गूगल पे डालेगा आपको सारी लिस्ट आ जाएगी आईकेआ के प्रोडक्ट्स की। गाइज यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी एकदम, जो घर में सजाने के लिए जो काम आती है सारी चीज़ें मिलेंगी। इवन प्लांट्स वगैरह भी मिलेंगे, आप आगे देखिएगा। ये पूरा सेक्शन था फर्नीचर का, सोफ़ा का पूरा सेक्शन था। यहाँ पे आपको हर तरीके के सोफ़ाज़ मिलेंगे और आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो आपके हिसाब से। अगर आपको कुछ सोफ़ा के ऊपर कुछ और कलर लगवाना है, इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है कलर ऑप्शन, आप उसमें से भी चूज़ कर सकते हो आपके घर के हिसाब से, जो आपको करवाना है, जो आपके रूम के हिसाब से मैच करेगा वो ले सकते हैं आप। और ये पूरा स्टोरेज एरिया था, आप देख रहे होंगे पूरा स्टोरेज था ये। और आप लैमिनेट्स भी चेंज करवा सकते हो यहाँ के फर्नीचर्स के, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये स्टोरेज था गाइस घर में रखने के लिए, ड्रॉवर्स वगैरह थी, बहुत अच्छा था। यहाँ पे आप सबसे बेस्ट पार्ट, आप इजीली कस्टमाइज़ करवा सकते हो। और गाइस ये पर्टिकुलर मेरे को ये शैंडलियर बहुत अच्छा लगा, आप इसका रोप ऐसे खींचोगे तो ये ओपन होता है, बहुत प्रिटी लगा। और ये पूरा सेक्शन था चेयर्स वगैरह का और स्टूल्स वगैरह का। यहाँ पे हर रेंज से बहुत कम रेंज से भी स्टार्ट हो जाती हैं चीज़ें लेने के लिए। और ये जो प्लांट्स रहते हैं वो थे शो के प्लांट्स से गाइज हैं। गाइज अगर आप आईकेआ आने का सोच रहे हो तो आपको टाइम थोड़ा फ्री निकाल कर आना पड़ेगा, क्योंकि आपको इजीली 3 to 4 hours लग जाएंगे आईकेआ में, क्योंकि आईकेआ बहुत ज़्यादा बड़ा है घूमने के लिए। फिर भी मैंने बहुत जल्दी जल्दी में ये चीज़ कवर की रही है जितना हो सका। मैंने सोचा कि आपको मैं दिखा दूँ, उतना वीडियो बना दूँ मैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। मैंने हर एक कॉर्नर को कवर करने के लिए कोशिश की है। तो आप मेरी इस मेहनत को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को इसी बात पर। यहाँ पे मॉड्यूलर किचन की भी लिए आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। जैसे आपको अगर कुछ मॉड्यूलर किचन वगैरह करवाना है यहाँ से, तो आप वो आइडियाज़ थोड़े, जैसे आपको कुछ और कॉर्नर का मॉड्यूलर किचन पसंद आ रहा है लेकिन आपको डिज़ाइन किसी और का पसंद आ रहा है, तो आपको इजीली यहाँ पे वो करके मिल जाएगा, कस्टमाइज़ करके आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे आपकी हेल्प करने के लिए, आप वहाँ उनको जाके बोलिएगा, वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे आपको डिज़ाइन के बारे में। मॉड्यूलर किचन की सारी फिटिंग्स आप देख रहे हो, आपको फिटिंग्स वगैरह भी लेनी वो भी मिल जाएगा आपको ईजिली। ये पर्टिकुलर बेडरूम था, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे जितने भी बेडरूम्स हैं, जितना भी फर्नीचर है गाइस, बहुत ज़्यादा यूनिक है। और इनका जो कलर कॉन्ट्रास्ट किया, मैं आपको पहले ये बोल चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। इवन बाथरूम की डिटेलिंग वगैरह इन्होंने बहुत अच्छी की है। हर सामान जो आपको यहाँ पर डिस्प्ले में दिख रहा है, आपको हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ पर नीचे जाके। ऐसे भी उन्होंने फिलहाल डिस्प्ले के लिए लगा रखा है। और जो मेन जो कॉर्नर है परचेज़ करने वाला, वो इसके नीचे है।
काफ़ी यहाँ पे हर चीज़ से सिंक भी थे यहाँ पे, आपको वॉश बेसिन सिंक वगैरह लेना है वो भी था, हर चीज़ का अलग सेक्शन था, बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखा था इन्होंने। गाइज ये सिंगल वाली जो आजकल बहुत ट्रेंड में है ना, चेयर्स वगैरह जो मिल रही है, आपने बहुत सारे वीडियोस वगैरह में देखा होगा, वो भी यहाँ मिल रही थी। 23,000 कुछ मैंने जो चेक किया था उसका प्राइस था, और आपको हर रेंज में यहाँ मिल जाएगा वो वाला चेयर। और ये डाइनिंग स्पेस था, ये भी एक रूम इन्होंने बना के रखा था, इसका भी मुझे इंटीरियर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जो वॉलपेपर्स वगैरह वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, और जो भी आइटम लैम्प्स वगैरह आप देख रहे हो डिस्प्ले में अभी, वो भी आपको मिल जाएंगे। कैंडल्स वगैरह भी मिल जाएगी यहाँ पे, आप कैंडल्स वगैरह देख रहे होंगे, ये सारी फिटिंग्स वगैरह आपको मिल जाएगी, स्टोरेज मिल जाएगा आप देख रहे हैं जो भी। ये स्टोरेज वाला सेक्शन था, ये अलग टाइप के स्टोरेजेस थे, बुक्स वगैरह जो शेल्फ होती है वो बुक्स शेल्फ का भी सेक्शन था जो आप देख रहे थे। उसके बाद हम एक न्यू रूम की तरफ जा रहे थे देखने के लिए, पूरा रूम इन्होंने बना रखा था विद ऑफिस टेबल वगैरह, बहुत प्यारा लग रहा था। बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे छोटे रूम के भी आइडिया, जैसे आप देख रहे हो छोटा रूम है ये वाला, इसके आइडियाज़ भी मिल जाएंगे छोटे रूम में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये वाला आप जो देख रहे हैं टीवी यूनिट है, आपको हर रेंज में यहाँ टीवी यूनिट मिल जाएंगे, 7,000 से स्टार्टिंग है टीवी यूनिट की, और आप आपके हिसाब से ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, ये वाला आप देख रहे हो 17,000 का था। यहाँ पे हर रेंज में और आपको डिफरेंट स्टाइल्स के भी मिल जाएंगे, बहुत जो अभी ट्रेंड में भी है जो चल रहे हैं वो सब स्टाइल्स के आपको मिल जाएंगे टीवी यूनिट, आप देख ही रहे होंगे, बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला भी। गाइज ये वो वाला सेक्शन था जो होता है ना घर में, अगर आपके गार्डन है या टेरेस कोई सेक्शन है तो आपको ये चेयर्स वगैरह रखनी है तो आप रख सकते हैं। ये सारी चेयर्स पूरा उसी का था, बहुत सारे डिफरेंट चेयर्स मिल रहे थे यहाँ पे हर तरीके के। गाइज यहाँ पे बहुत सारे मॉडल है किचन के मॉडल्स थे, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे ये वाला लगा, काफ़ी विंटेज फील आ रही थी, और जो इन्होंने कलर्स के साथ जो टाइल्स जो मैच किया था उसके वजह से बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत वाइब्रेंट कलर यूज़ कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला जो इन्होंने बनाया था किचन। ये पर्टिकुलर चेयर एक बेबी की थी, अगर आपके घर में बेबी है तो आप इजीली इसको रख सकते हैं, ऊपर से बंद कर सकते हैं। ये पूरा किचन का एरिया था जो इन्होंने डिस्प्ले में लगाया था, ये पूरा स्टोरेज था, काफ़ी अच्छा मॉडल है किचन के जो मॉडल्स बना रखे थे, काफ़ी डिफरेंट कलर्स में थे। ये पुश वाला जो था बटन, आप इजीली पुश करके आपका खुल जाएगा स्टोरेज एरिया, और ये ऐसे थे फिटिंग्स, ये फिटिंग्स वगैरह भी आपको मिल जाएगी यहाँ से। यहाँ पे हर तरीके की आपको आइडियाज़ मिलेंगे, जो भी आजकल मार्केट में चल रही जो फिटिंग्स मॉडल है किचन में बहुत चेंज होती रहती है वो सब मिलेगी यहाँ पे। ये पूरा ग्रेनाइट का सेक्शन था, अलग अलग टाइप के जो आपका जो स्लैब होता है किचन का, वो आप आपके किचन को अगर कुछ चेंज देना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो, वो सब आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे कस्टमाइज़ करने के लिए। इवन लैमिनेट्स वगैरह, वुडन लैमिनेट्स जो होते हैं आपके डोर्स के, कबर्ड के, या टीवी यूनिट में आपको कुछ चेंज करवाना है, वो सारे आपको लैमिनेट्स मिलेंगे। ये बेडरूम था एक छोटा सा, मुझे बहुत प्यारा लगा, इन्होंने ऐसे साइड में ये ढक रखा था कपड़े से सेक्शन के लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे, कुछ यूनिक लगा, ऐसा मैंने बाहर नहीं देखा था, बहुत अच्छा लगा मुझे छोटा सा रूम जिन्होंने बेडरूम बना रखा था। इवन आपको यहाँ पे मैट्रेसेस भी मिल जाएगी, बेडशीट से लेके हर चीज़ मिलेगी आपको। ये सेक्शन भी मुझे बहुत क्यूट लगा, ये जो मिरर वगैरह है ये भी आप ले सकते हो यहाँ से, बहुत अच्छे आइडियाज़ थे यहाँ पे देखने के लिए। पिंक रूम पर्टिकुलर मेरा फेवरेट था जो आपने अभी देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये।
ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हो पर्टिकुलरली बेड का सेक्शन था, अगर आपको सिंगल बेड लेना, सिंगल बेड भी था यहाँ पे, डबल बेड का भी ऑप्शंस थे, बहुत प्यारे प्यारे बेड्स थे अलग अलग तरीके के, बहुत वाइड ऑप्शंस हैं यहाँ पे। और ये मैट्रेसेस का सेक्शन था पर्टिकुलर जो आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको हर तरीके के बेड मैट्रेसेस मिलेंगे बेड के। और ये वार्डरोब वाला सेक्शन था, अगर आपको कुछ कस्टमाइज़ करवाना है, अगर आपको किसी और का लैमिनेट पसंद आ रहा है तो आप वो लगा सकते हो। यहाँ से किड्स सेक्शन स्टार्ट होता है, किड्स का बेडरूम आप देख रहे हो। अगर आपके घर में कोई बेबी गर्ल हो, अगर आपको ज़रा डिज़ाइन करवाना हो तो आप यहाँ से ज़रूर ये सब परचेज़ करिएगा। छोटे छोटे आइटम्स, छोटे छोटे लैम्प्स हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा मुझे। किड्स वाला सेक्शन तो बहुत पसंद आया है मुझे, काफ़ी क्यूट लगा मुझे हर एक चीज़। छोटी सी चेयर वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे, आप जो भी डिस्प्ले में देख रहे हो आपको ईच एंड एवरीथिंग मिलेगी। ये छोटा सा प्ले एरिया टाइप बनाया था लोगों ने, ब्लैक बोर्ड रखा हुआ था, बहुत प्यारा लगा मुझे किड्स सेक्शन। और ये बेबी के को जो चेंज करने का जो रहता है वो सब मिल रहा था यहाँ पे बेबी के लिए। यहाँ पे ये सुलाने के लिए जो बेड रहते हैं छोटे छोटे वो भी थे यहाँ पे। उसके बाद हम आगे नीचे वाले फ्लोर पे, वहाँ पे जो हमने ऊपर जो डिस्प्ले में आइटम देखे थे सारे नीचे मिल रहे थे, आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। छोटे छोटे वास वगैरह, छोटे से कप वगैरह, मग वगैरह हर एक चीज़ मिलेगी, सारी कैंडल्स थी फ्रेगरेंस वाली, आप देख रहे हो 129 पर पीस थी यहाँ पे, बहुत वैरायटी थी कैंडल्स की भी। और आपने जो ऊपर देखा था गाइस, आप यहाँ पे इजीली आके परचेज़ कर सकते हो डिस्प्ले में। और ये पूरा सेक्शन था आप देख सकते हो, किचन के अप्लायंसेस वगैरह, यूटेंसिल्स वगैरह हर एक चीज़ मिल रही थी यहाँ पे। और बेसिकली गाइस आइकिया बाहर का है, तो ये आइकिया फेमस इसलिए है क्योंकि ये रेडी टू असेंबल फर्नीचर सेल करता है, मतलब आप यहाँ से आप लेके जा सकते हैं फर्नीचर, फिर आपको घर पे आके खुद ही असेंबल करना पड़ेगा उसके। अगर आप इनका टाइप बेसिकली अर्बन कंपनी से है तो आप फर्नीचर यहाँ से लेके जाएंगे तो आपको अर्बन कंपनी में कॉल करना पड़ेगा, लोग आके असेंबल करेंगे। ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन आपको पिलोज़ वगैरह मिल रहे थे, कर्टेंस वगैरह मिल रहे थे, और बेडशीट्स और ब्लैंकेट्स वगैरह, पूरा बेड का सेक्शन था यहाँ पे। कर्टेंस वगैरह भी आप देख सकते हो नेट के, आप चारों तरफ इसको बेड के लगा भी सकते हो। ये पर्टिकुलर मिरर का सेक्शन था, बहुत प्यारे प्यारे मिरर्स थे यहाँ पे, ये पूरा वास का सेक्शन था, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ का कलेक्शन वास के लिए। मैं नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आऊँगी, ये सब परचेज़ करने वाली हूँ मैं, बहुत अच्छा लगा मुझे कलेक्शन। यहाँ पे रियल प्लांट्स भी मिल रहे थे और शो वाले प्लांट्स भी मिल रहे थे, आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं रियल प्लांट्स भी। ये सब रियल प्लांट्स थे जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये बहुत क्यूट लगे मुझे वास। गाइस अभी आप जो सेक्शन देख रहे हैं सेल्फ सर्व फर्नीचर एरिया है, जो भी आपने परचेज़ करा था ऊपर फर्नीचर वो यहाँ पे आपको एकदम पैक करके मिलेगा, कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आप देख रहे होंगे ऊपर, यहाँ से आप लेके जा सकते हो। और एग्जिट के बाद आपको बिलिंग मिलेगा, वहाँ पे बिलिंग यहीं से आपका ख़त्म हो जाएगा। आइकिया का ये लास्ट सेक्शन था, आपको आपका फर्नीचर यहाँ से पिक करना है। अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई आउटलेट है जो न्यूली ओपन हुआ है और आप चाहते हो मैं एक्सप्लोर करूँ, जो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएगा, मैं वो जगह ज़रूर एक्सप्लोर करूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे।